ये माने यहाँ केवल पशु लोग उतरते थे पानी पानी पीने। मानव जंगल में जब जीवन में आते थे लकड़ी झाड़ जंगल तो यहाँ पानी पीने उतरते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब गाइस? अच्छे ही हो आप सब मेरा मानना है। तो गाइस, आज एक ऐसे जगह जाने वाले हैं जो काफ़ी सुंदर और पिकनिक प्लेस भी है और शिव का मंदिर भी है वहाँ पे, और आज हम अकेले हैं गाइस। तो सफ़र काफ़ी लंबा बनने वाला है क्योंकि पहुँच गए। अब जो पीछे देख रहे हो ये रास्ता जाएगा शिव मंदिर डायरेक्ट। वहाँ पे बोट टंगा हुआ है पूरा। इन जानवरों को मारने पर अपराध है और लकड़ियाँ काटने पर भी अपराध है और कई साल का जेल भी हो सकता है। तो हम इसी रास्ते से अभी जाएंगे। पता नहीं यार, मेरे को अजीब टाइप से लग रहा है कि मैं अकेले जा रहा हूँ। गाइस, मैं आज अकेले हूँ क्योंकि मेरा कैमरामैन आज मेरे साथ नहीं है, तो मेरे को अकेले शूट करना पड़ा है ब्लॉगिंग। यार, ब्लॉगिंग में काफ़ी डर लग रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है मेरे को आगे जाने में, क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं है आगे क्या होगा। तो गाइस यार, सपोर्ट यार, आगे आगे बने रही मेरे इस ब्लॉग पे। इससे पहले जो बीच जंगल में आलू की खेती हो रही है और यहाँ मेरे को जाना है आगे शिव मंदिर है ना आगे। कुछ ज़्यादा बज रहा है। हाँ, जंगल वाला। मैं डर रहा था इधर आने में। अभी कोई डर नहीं, जंगल में आदमी है। कोई डर नहीं है ना? कोई डर नहीं है। तो अंकल जी बोल रहे हैं कोई डर नहीं है आगे, कोई खतरा नहीं है, जा सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऐसे हाथी भालू नहीं है अभी? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग को देखा था, थोड़ा सा दिल में वो आया ना, हल्का, हाँ, हिम्मत बढ़ गया, हल्कापन महसूस हुआ। तो आगे चलते हैं क्योंकि आगे कोई खतरा नहीं है। तो ये बोल दिए हैं कि आगे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अभी जंगल जंगल में भी जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है। पता नहीं, खुदा जाने यार क्या होगा। आगे चलते हैं, फिर भी दिल में थोड़ा सा डरानापन लगे रहता है। सबके हिसाब से हाथी निकलते हैं यहाँ पे। भाई किसका नाम ले लिया। तो गाइस चलते हैं आगे, वीडियो पे बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये हमारी साइकिल, कोई आ सकता है साइकिल में? चैलेंज, आके दिखाओ फिर हम मान जाएंगे भाई। सो गाइस, हमारे भैया जो बोले थे रास्ता, ये रास्ता कटा है, एक बीच से रास्ता कटा है, एक साइड से रास्ता कटा है, लेकिन हमको जाना है बीच से। चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइस, पहुंच चुके हैं अपने शिव मंदिर। काफ़ी अच्छा जगह है। जूता चप्पल पहन के भी तो जा नहीं सकते, देखते हैं। ये जो है जंगल के बीच में है, अब देख सकते हो साइड में यहाँ पे है। मैं काफ़ी स्ट्रगल करके इतना दूर तक पहुंचा और यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री किया गया है और नीचे शायद मेरे को लग रहा है लेबर का काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है मंदिर का। तो नीचे कहीं पे काम चल रहा है शायद, यहाँ पे काम चल रहा है। तो मंदिर है, जूता पता नहीं पहन। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखाया है, यहाँ पे कुछ ऐसे, हाँ, आओ आप भी नशा करो और हमारी बीमारी में शामिल हो जाओ। पता नहीं ऐसे काहे लिखा है यहाँ पे। और ओम नमः शिवाय, शिव जी, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है शायद। अरे बाबा जी प्रणाम। मंदिर में का यहाँ काम चल रहा है ना प्लेस्टर का? तो आज लोग यहाँ काम चल रहा है यहाँ पे मंदिर। हम वीडियो बनाते हैं तो मंदिर के बारे में बताने आए हैं।
बता सकते हैं ना पुजारी जी? प्रणाम। तो यहाँ के पुजारी हैं आप? हाँ। तो यहाँ के मतलब मैं देखा ना, बहुत लोग बताया है यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है, तो मैं सोचा चला जाए यहाँ पे देखने कैसा है मंदिर, और पानी वानी झरना निकल रहा है, तो चला दर्शन करने अकेले साइकिल से। कहाँ से आया? ये मैं आया हूँ कल्याणपुर साइड से। कल्याणपुर ले आता। नहीं पता है आपको? आप कहाँ के हैं? रेवतपुर के। तो मंदिर के बारे में बताइए ना कुछ कुछ। यहाँ के मंदिर के बारे यहाँ की जो है ना, हमार प्रगति जो पहले से है, हमार दादा परदादा ले आऊ। हाँ। ये जब यहाँ का धरती से जिसे तबे कहे ये झरना। हाँ। ये झरना है, लेकिन अभी ये अभी बन रहे हैं। ये अभी मंदिर बना थे हमार 9 साल हो जाते हैं। 9 साल 9-10 इसे तो ज़्यादा कर रही है, मगर हम एक बनाना 9 साल 9-10 साल हो जाते। 10 साल कहे ना, मेरे भैया बोले कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे वीडियो बनाओ, काफ़ी दर्शनीय स्थल है। हाँ। तो पानी वानी झरना है, तो हमसे चले चला जाए देखने। जंगल के बीच में डर लगाते समय एकदम? नहीं डर इधर कुछ हो नहीं, देखा ना कैसे अभी लागत है। हाँ थोड़ा है ना, आप लोग तो डर भाग गया। हाँ, डर यहाँ अभी नहीं करता है, हम लेके जे रहते हैं शाम के, यहाँ दिया बाती बार के जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ फिर शाम के चल जाते हैं, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। नहीं नहीं रहते हैं, अब जब एक सब पूरा कंप्लीट हो जाए तब हम लोग यहाँ रहना शुरू करें। काफी लोग के लिए बन रहा है। हाँ ये हूँ है वहाँ के बदौली कर हैं विष्णु। हाँ। हमें रेवतपुर का देवसाय। हाँ। और यही है, ये हमारे पहले का है। हाँ। ये फिर बाद में बीच में ये मंदिर के बारे गांव वाले 2-3 आदमी रोक दे रहे हैं। हाँ। कहीं कहीं वहाँ लगाए दे रहे हैं, तो वहाँ समय जा रेंज में। हाँ। तो बाकी तो कोई नहीं जानत रही, बागार एगो यही रही इसकी सिपाही। हाँ। और दरोगा एमन, बाकी रेंजर जगह बैठ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं। उसको भी बनवाएंगे ना जो ऊपर। हाँ हाँ गुमज भी बनेगी सब। हाँ। एकरो गुमज बनेगी, ओकरो गुमज बनेगी, अच्छा दिखेगा। फिर जंगल वाले केर ये आएगी सुहा से आदेश, तो हमारे जंगल वाले दीपाट वाले सब ला घेरावा कर दें यहाँ के लिए। और हाँ फूल फूल उल और फल बिही फूल और तुम्हारे समय जाओ लीम ये सब जागता है, केरा उरा सब जागे हम। हाँ। और वही वही मैंने फिर देख रेख की जिम्मेदारी। हाँ हाँ हमारे मन के जिम्मा में है अभी और रहे, और वही चौतरा उतरा सब बनवा देते हैं, वहाँ बोट बनवा देते हैं वो जगह। हाँ, हाँ। अभीला शासन ओर से दे दे से है सरना का नाम से पास हुई से। सरना के नाम से। हाँ सरना। हाँ हाँ सरना मतलब चारों तरफ वैसे पानी झरना सुनाई दे रहा है ना। हाँ हाँ चल 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 वहाँ अंदर चल जाना। बनवा थे यही धीरे धीरे भैया कहाँ बाबू रे कहाँ है। ये जो है चौतरा में अभी डाबे हैं। यहाँ जो है इधर भेड़ है दह है दह है दह है इतना पानी है। अच्छा यहाँ इतना भेड़ इसको इसे करके ढालते हैं, ढाल के पानी के रख के तेरे में पाइप लगा के वहाँ निकाले। हाँ फिर ये निकल रहा है। हाँ इसमें निकल रहा है पानी। हाँ ये ऊपर से आते थे ऊपरे हैं। अच्छा। हाँ ऊपर से आते हैं ये ऊपरे हैं। हाँ हम श्री गंगा प्रसाद यादव ग्राम बदौली का वासी हूँ, और हम कहवा जंगल में मैं तप किया हूँ। हैं भमकहवा जंगल इसका नाम रखा है ना। ये रेवतपुर के सिवान में ही आता है, जैसे पंडा जी बोले है ना। हाँ।
तो यहाँ पे जब हमारे ये सब कार्य बीतने के बाद दो चार साल रह गया, इसके बाद गायत्री जप होगा, इसके बाद जप होते होते तो ध्यान आया सतपुरुषों को, तो यहाँ मंदिर स्थापित कर दिए। तो अब ये मंदिर जह जह है, जैसा बन सके वैसा मैं यही अभ्यास रखता हूँ कि जो जीव बिगड़ गया है, जो जीव अनभटक रहा है, यहाँ ये गुण को पा सकता है। यहाँ मैं प्रसिद्ध किया हूँ, 40 दिन में मैं भी यहाँ गुण पाया हूँ, तो आज मैं यहाँ का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा है कि यहाँ जी मैंने यहाँ केवल पशु लोग उतरते थे पानी पीने। मानव जंगल में जब जीवन में आते थे, लकड़ी झाड़ जंगल, तो यहाँ पानी पीने उतरते थे, और बाकी यहाँ कोई स्थल का गम नहीं था, केवल जल ही जल था, हैं। और इसके बाद जब मैं मेरे मन में जब मैं जंगल में चौकीदारी एक समय में कर रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं यहाँ जप करूँ ताकि इसको जल को निर्वाहित हो, यहाँ स्थल अच्छा बने। ये बनाने के प्रावधान से मैं यहाँ 41 दिन निरा जल, ये बिना जल के आज भी जीवित हूँ। यहाँ परापर ये जगह साक्षी है, जल देवता साक्षी है, हैं। तो ये यहाँ तप करने के बाद तो पंडा लोगों को आभास हुआ, तो यहाँ मंदिर ये लोग बनवा रहे हैं, बन रहा है अभी तो। और केवल अब मैं इतना ही इसका जानता हूँ कि भाई पानी यहाँ, मैं नहीं जानता हूँ तब से निकल रहा है, कब से निकल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मैं तप करने लगा हूँ तो मेरे को आभास हुआ है कि यहाँ महादेव जी का और गंगा माई का स्रोत है। यहाँ पे जो भी तप करने आएगा, अपना साधना करेगा, अपना दुख दरिद्र लेकर के आएगा, यहाँ मन्नत मानेगा, उसका सबका जय जयकार ही होगा। ये मेरे को मिला है आशीर्वाद, यहाँ के नाग देवता का स्थान है। इतना ही प्रभु, इतना ही जानता। पानी एकदम समुंदर, खारा पानी एकदम शुद्ध। हाँ, अमरकंटक में मैं गया था तो ऐसे हाथ डाला तो इतना जला कि मैं निकालना पड़ा मेरे को। हाँ, और एक बार जब देख दिया तो कुछ नहीं किया, मैं चमका रहा था मेरे को। कैसा लगा? तो अभी यहीं पे हम लोग, जगह काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे तीर्थ स्थल और घूमने के लिए और शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे झरना है छोटा सा। हरी जी बोल रहे थे यहाँ को और बेहतर तरीके से बनाना है यहाँ को, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है बनाने के लिए। ये झरना है, छोटा सा झरना है। यहाँ से जो पानी है वो कभी कम नहीं होता है, 12 महीना तक पानी यहाँ पर निकलता ही रहता है। और ये हमारे नंदी जी का बहुत बड़ा मूर्ति है यहाँ पे। जो आप काफी समय से तप किए थे वहाँ। हाँ बाबा, ये धुई आज भी पड़ा है, कब बग रहा है ये धुई। ये नोट 41 दिन, 41 दिन, 41 दिन इतना पूरा फैल गया। आप इसी जगह बैठे थे? यहीं बैठे थे, यहीं पे था। यहाँ पे एक झाला बनाया था। हाँ, यहाँ धुई था, यहाँ मैं बैठता। तो आप यहाँ पे एक कितना दिन? 41 दिन यहाँ पे तप किए हैं, बिना खाए, बिना पानी, बिना जल ग्रहण, बिना अन्न पानी का ग्रहण करके यहाँ पे शिव जी का आराधना किए हैं, उनको प्रसन्न किए हैं। हाँ, प्रसन्न किए हैं आप। कि 41 दिन आप यहाँ पे तप किए, मतलब कैसा लगा, मतलब जब आप यहाँ तप करके निकले यहाँ से? हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा। हाँ, कि सब तरफ मेरे के लिए गड्ढा गड्ढा दिख रहा था। उस समय मैं अपना नयन काम नहीं कर रहा था, नयन काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा था। जब पानी पीने लगा तो धीरे धीरे करके पानी पीते पीते दिन भर में एक गिलास पानी पीता था, दिन भर में ऐसे ऐसे करके। ये सब तो मैं टीवी में देखा था और उसी सब में, लेकिन आज आप बता रहे हैं। हाँ, मान रहा हूँ, जगह भी देख के लग रहा है कि यहाँ पे आप तप किए थे, मिट्टी वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, पड़ा है। तो आपको ऐसे कोई हानि नहीं पहुँचा रात और दिन? बिना हानि नहीं पहुँचा, जंगली जानवर। मेरे को लगा कि ईश्वर खड़ा है, मेरे साथ हैं, ऐसा लग रहा था। अब भूख प्यास मेरे को कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। टट्टी दिशा पिशाब कभी नहीं किया 41 दिन के अंदर। 41 दिन के अंदर जी, वाह। ये
मेरा ये मनकामना था कि इस जंगल में मंदिर बने, कोई सार्थक आए, किसी को ज्ञान मिले, अपना जीवन को धन्य धन्य बना के अपना यश करें, यही मेरा मनकामना था। अपने लिए नहीं, मैं ये धरती के कल्याण के लिए मैं कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, 41 दिन बिना खाए, बिना जल ग्रहण किए, बिना कुछ किए, बिना बाथरूम कुछ नहीं, 41 दिन तक यहाँ पे इसी जगह पे वो तप किए हैं और भगवान जी साक्षात उनका रक्षा किए हैं, रात और दिन बरसात पानी से बचाए हैं उनको। आप खुद सुने होंगे, ये काफ़ी ये तो कहानी और किताबों में और टीवी सीरियलों में देखा गया है, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत है, मैं मानता हूँ ये हकीकत है, क्योंकि इनके अंदर जो श्रद्धा भावना है आप देख सकते हो, जान सकते हो। खास बात बता दूँ कि हम जिस साइट से आए, वो लोकेशन में मैप के थ्रू नहीं है, वो मैप में नहीं है, तो जो मैप में था वो इधर के रास्ते से था, जो रेवतपुर से डायरेक्ट इधर आता है। तो हम लोग एक मैप सेट करेंगे, आप लोग आइए, काफ़ी अच्छा जगह है। और गाइज, जहाँ पे यज्ञ होता है हम उस जगह आपको दिखा रहे हैं, ले जा के दिखाएंगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, उतना मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, वो जो बताएं मेरे को लग रहा है ये वाला यज्ञ है, ये जो देख रहे हैं ये यज्ञ है, यज्ञ के लिए ये है, ये यहाँ पे यज्ञ होगा। यहाँ पे कुछ खतरा वतरा तो नहीं है अभी फ़िलहाल, तो बाइक से आइए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। चारों तरफ बाउंड्री बन गया है, कोई खतरा नहीं, यहाँ पे आइए घूमिए यहाँ पे, और दर्शनीय स्थल है, भगवान जी का पूजा कीजिए। यहाँ को और बेहतर बनाने के लिए दान पेटी में अगर आपकी इच्छे के हिसाब से आप दे सकते हैं, जितना देना चाहते हैं, तो यहाँ सहयोग कीजिए। यहाँ मंदिर जो है उसको बेहतर तरीके से बनाना है, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय। एक बात और, अगर इस वीडियो को अगर आप लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर एक ब्लॉग आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय हिंद। हर हर महादेव।